हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने टेक मास्टर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फोन की प्री बुकिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि 24 अगस्त शाम को 5:30 बजे के बाद जियो फोन की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। ये यानी कि कल शाम को 5:30 बजे के बाद जियो फोन बुक होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं कि कैसे बुक करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और कब मिलेगा ये हमारा जियो फोन। तो फुल प्रोसेस जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जियो फोन को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन बुक करने के लिए आपको सिंपली जियो केयर या फिर जियो रिटेलर, जियो सर्विस सेंटर जाके लाइन में लग के बुक करना होगा। और ऑनलाइन तो आप jio.com यानी जियो की ऑफिशियल वेबसाइट और जियो ऐप के थ्रू भी कर पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन बुक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अपने ऑनलाइन या ऑनलाइन मोबाइल से या लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर आप ईजिली कुछ ही मिनटों में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल को बुक करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि फर्स्ट टाइम हमें फर्स्ट नंबर पे चाहिए होगा मोबाइल नंबर, और सेकंड जो चाहिए होगा पिन कोड, और जो 500 रुपये। तो मोबाइल नंबर में वही एंटर करना है जिसपे हमें कन्फर्मेशन मैसेज और जो भी क्वेरीज कॉल आए हमारे पास जियो की तरफ से वो आसानी से मिल जाए। और पिन कोड तो हमारा मोस्ट रहेगा। पिन कोड हमें यहाँ पर सिंपली वही एंटर करना है जब हमारा जहाँ पे हमारा जियो का सर्विस सेंटर अवेलेबल हो। फाइनली कहने का मतलब है जहाँ हमारा जियो का मोबाइल डिलीवर हो जाए, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपके पिन कोड यानी आपके एरिया पिन कोड में जियो सर्विस सेंटर कहाँ अवेलेबल है। आप लिंक फॉलो कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और सेकंड चीज़ हमें चाहिए होगी 500 रुपये। 500 रुपये हमें फ्रेंड्स एज ए टोकन के रूप में चाहिए होंगे। या 500 रुपये पे कर देंगे तो हमें वहाँ से एक ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू जब हमारा जियो फोन अवेलेबल होगा सर्विस सेंटर में, तो वहाँ से हमें मैसेज या कॉल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो हमें ट्रांजेक्शन आईडी लेकर जानी होगी, वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद हमें 1000 रुपये पे करके हमारा जियो फोन मिल जाएगा। अब फाइनली कहने का मतलब हमारा 500 रुपये टोकन के और 1000 रुपये फ़ोन की डिलीवरी के टाइम हमारा फ़ोन पड़ जाएगा पूरा 1500 रुपये का। तो ऐसे हमारा फ़ोन अवेलेबल होने पे सर्विस सेंटर के थ्रू 1500 रुपये का मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस जान लेते हैं इस वीडियो में, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो मैं अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। फिर वेब ब्राउज़र के URL बार में यानी सर्च बार में हमें सर्च करना है jio.com, जो कि जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सिंपली मैंने टाइप कर लिया jio.com और सर्च कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं हमारी जियो की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई, एंड फ्रंट पेज पे हमें शो हो रहा है जियो का स्मार्टफोन बुक नाउ आइकन के साथ। तो क्योंकि ये जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे हमें जियो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी, चाहे वो सिम की हो या फ़ोन की हो। तो सिंपली हमें फ़ोन बुक करना है, तो उसके लिए हमें जियो फ़ोन के ऊपर बुक नाउ वाले आइकन पर प्रेस करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो हमारा जियो फ़ोन की बुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, फर्स्ट स्टेप पे हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो यहाँ पे हमें अपना पर्सनल मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो हमारा परमानेंट ऑन रहता हो, जैसे कि जिस पे हमें कंफर्मेशन मैसेज और क्वेरीज़ के लिए कॉल वगैरह जो भी आए जियो से वो आसानी से मिल जाए। तो नंबर फिल करने के बाद हमें सबमिट बटन पे प्रेस करना है, जो कि बॉटम में ब्लू कलर में शो हो रही है सबमिट बटन। तो जैसे ही उस पर प्रेस करेंगे तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो आएगा, जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा पिन कोड। तो यहाँ पर हमें पिन कोड एंटर करना है, जैसा कि मैंने कहा था पिन कोड हमें यहाँ पे वही एंटर करना है जो हमारा जहाँ पे सर्विस सेंटर अवेलेबल हो। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो करके चेक कर पाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही सोच समझ के पिन कोड एंटर करिएगा। तो उसके बाद जैसे हमें पेनआउट पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पेमेंट में हम जियो मनी, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ। तो वो मैं अपना डेबिट कार्ड की डिटेल फिल कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस फ़ोन के रिगार्डिंग जो फ़ोन हमारा होगा वो इसमें हमारे वाईफाई भी हो सकता है, वाईफाई तो होगा ही, लेकिन वाईफाई होने के साथ में हमारा हॉटस्पॉट होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में नेक्स्ट अपडेट में पता चलेगा। तो हमारा जो भी जियो के प्लान्स रहेंगे वो तो नॉर्मल ही रहेंगे जो हमारे होते हैं। और ये मैं अपना कार्ड डिटेल फिल कर दूँ, क्या पासवर्ड OTP, ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पेमेंट कर दिया है और पेमेंट हमारा हो गया है, और हमें यहाँ पे शो हो रहा है योर ट्रांजेक्शन हैज बिन सक्सेसफुल, और ट्रांजेक्शन आईडी भी मिल गई है, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे कहीं सेव कर लेना है क्योंकि हमें फ़ोन की डिलीवरी के टाइम ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो आप देख पा रहे हैं हमारा इजीली अब फोन जियो फ़ोन बुक हो चुका है। अब जैसे ही हमारा फ़ोन सर्विस सेंटर में अवेलेबल होगा तो मैसेज के थ्रू आ जाएगा, तो हम अपना फ़ोन 1000 रुपीज़ पे करके ले लेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें मैसेज भी मिल गया है, जो मैंने ऑर्डर किया फ़ोन
यहाँ पे शो हो रहा है कंग्रेचुलेसन प्री बुकिंग ऑफ इंडिया का स्मार्टफोन जियो फोन इज, ऐसा कुछ लिख के आ रहा है यहाँ पे। हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा ट्रांजेक्शन आई डी, यानी कि वही हमारा ऑर्डर नंबर होगा। तो फ्रेंड्स हमें इसी ऑर्डर नंबर को सेव कर लेना है जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, और इस ऑर्डर नंबर के थ्रू, इस ट्रांजेक्शन आई डी के थ्रू जैसे ही हमारा फ़ोन सर्विस सेंटर में अवेलेबल होगा वो ये दिखा करके हमें फ़ोन मिल जाएगा और 1000 रुपये पे कर देंगे। हमारे लिए हमारा फ़ोन 1500 रुपये का पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे होगा है कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम को आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।